नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीए न्यूज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि छात्रों के पीछे निर्देशक प्रेरणा और सच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक। कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग का निर्देश, मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता ना हो। कांग्रेस के विधायक ने कहा कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को अगवा किया। महाराष्ट्र में भीड़ ने 2 भाइयों को पीट पीट कर मार डाला, 40 लोगों पर केस दर्ज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं, अगर रिजल्ट आए तो नियुक्ति नहीं। केंद्र ने की 22 भाषाओं में EIA मसौदा छापने के निर्देश पर पुनर्विचार की मांग। प्रशांत भूषण मामले का परीक्षण करेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लगा था 1 रुपए का जुर्माना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी में भारतीय कंपनियों ने देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी ध्यान रखा। बंगाल की खाड़ी में भारत रूस की नौसेनाओं ने दिखाए जौहर, चीन को सख्त संदेश। मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में दावा, पूर्व नियोजित और सांप्रदायिकता से प्रेरित थे बेंगलुरु दंगे। IPL से पहले प्रैक्टिस मैच चाहते हैं जोंटी रोड्स, 2 साल बाद टूर्नामेंट में कर रहे हैं वापसी। केंद्र सरकार ने कहा कि आतंकियों, दुर्दांत अपराधियों को नहीं दी जा सकती है पैरोल और फरलो। अमित शाह ने कहा कि IPS अधिकारियों की प्रतिबद्धता युवाओं को पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगी। लद्दाख में जवानों के साथ 6 दिन बिताकर लौटे ITBP चीफ। ICMR के मुताबिक देश या किसी अन्य राज्य में प्रवेश करने के लिए कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य। महाराष्ट्र के मुंबई में सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, नासिक में भी देर रात कांपी थी धरती। NCB ने ड्रग्स कनेक्शन मामले में सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को किया गिरफ्तार। तमाम अटकलों पर लगा विराम, मैसी ने कहा कि इस सत्र में बार्सिलोना के साथ रहूंगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने चीनी प्रसारक का साझेदार से तोड़े रिश्ते, 71.80 करोड़ डॉलर का था करार। LSE पर तनाव, देश में एकमात्र चीनी टेबल टेनिस कोच ने पत्नी के साथ भारत छोड़ा। परिवार के बाद हिमांश कोहली को भी हुआ कोरोना, बोले मैं इस वायरस को हल्के में नहीं लेता। ट्रंप ने कहा कि मेरा बेटा और बेटी मेरी ही तरह भारत के बारे में सोचते हैं। WHO ने कहा कि साल 2021 के मध्य तक कोरोना वैक्सीन के वितरण की उम्मीद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन के गतिरोध को बताया बहुत बुरा, कहा अमेरिका मदद के लिए तैयार। 90 साल की सबसे भीषण गर्मी झेलने वाले पुर्तगाल के 4 बच्चों ने 33 देशों पर दर्ज कराया मुकदमा।